हेलो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बीएसएफ वाटर रनिंग भर्ती 2022 दसवीं बारहवीं के अभ्यर्थियों के लिए बीएसएफ 281 पदों के पर भर्ती निकाली है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा मौका है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। और हम इस वीडियो में इस संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करेंगे और एक एक टिप्स वाइज मैं आपको समझाऊंगा, यानी क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि इस टेबल में दिया हुआ है। जैसे कि देखो यानी वाटर विंग यानी बीएसएफ वाटर विंग रिक्वायरमेंट 2020 एज लिमिट क्या है, एंड बीएसएफ वाटर विंग फॉर्म फीस कितनी है, एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस कितना है, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होगा, ठीक है। और हाउ टू अप्लाई, इसे किस प्रकार हम फिल करने वाले हैं, और बीएसएफ वाटर विंग वैकेंसी इंपॉर्टेंट लिंक के बारे में जानेंगे। वहाँ पर आप क्लिक करके एंड बीएसएफ की इंपॉर्टेंट लिंक और जान सकते हैं, ठीक है। और रिक्वायरमेंट क्या, जैसे कि हम अब इस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, यानी क्या दिया हुआ है। जैसे मैंने बताया था आपको बीएसएफ वाटर रनिंग बाहर 2022 की 281 पदों पर भर्ती निकाल दी है, ठीक है। और जो ऑनलाइन जो बीएसएफ वाटर रनिंग भर्ती 2022 ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि कितनी है एंड डेट कितनी है, डेट है 28 मई 27 जून रखी गई है, ठीक है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। और बीएसएफ भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा, आवेदन शुल्क, शैक्षणिक योग्यता आदि सभी जानकारियों को आप इस विज्ञापन माध्यम से व इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, नहीं तो आप जानकारी को भी स्किप कर दोगे। इसलिए इस लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ठीक है। और 10वीं 12वीं अभ्यर्थियों के लिए निकली है 281 पदों पर भर्ती, ठीक है। और हम बात करेंगे भाई एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, भाई बीएसएफ जल विंग भारतीय 2022 एंड एएसआई पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु सीमा 22 से 28 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और अन्य पदों के लिए जो उम्मीदवार की आयु सीमा कितनी, 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा की गणना अंतिम तिथि के आधार पर मानकर की जाएगी और आरक्षित वर्ग जिसको आरक्षित मिला हुआ, ठीक है, उसको सरकारी नियम के अनुसार अधिक आयु की छूट दी जाएगी और आयु की सीमा की अधिक जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ठीक है। और बीएसएफ वाटर विंग क्वालिफिकेशन फॉर्म फीस कितनी है, ठीक है, यानी ओबीसी के लिए कितनी है, जनरल के लिए कितनी है, ये संपूर्ण जानकारी इसमें आपको मिलेगी, ठीक है। बीएसएफ जल विंग भारतीय 2022 के ग्रुप बी, इसमें क्या कौन ग्रुप बी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक। ग्रुप बी में क्या है, जो उम्मीदवार आवेदन शुल्क जनरल के लिए वह ओबीसी व यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 200 रुपये रखी गई है, और ग्रुप सी के लिए आवेदन करने के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए जो आवेदन शुल्क रखा गया 100 रुपये रखा गया, ठीक है। और इन सभी पदों के लिए एससी एसटीसी यानी ईएसएम बीएसएफ वर्ग के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया, आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। और बीएसएफ वाटर विंग जो एजुकेशन क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो बीएसएफ वाटर विंग 2022 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर 10वीं 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। और संबंधित क्षेत्र आईटीआई डिप्लोमा जरूर होना चाहिए, 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए और आईटीआई डिप्लोमा जरूर होना चाहिए, ठीक है। इस भर्ती की शैक्षणिक योग्यता विस्तृत जानकारी पदों के अनुसार देखने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाके और देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यानी 2022 सिलेक्शन प्रोसेस किस है, जो हम 2022 को फेल करने पर जो सिलेक्शन प्रोसेस एंड किस प्रकार पेपर देना पड़ेगा, इसमें क्या एंड यानी राइटिंग रिजन एग्जाम देना पड़ेगा, स्किल टेस्ट होगा एंड फिजिकल टेस्ट होने वाला, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, मेडिकल एक्सप्लेन होना, ठीक। इस प्रकार आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। और हम चलते हैं इसको फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, ठीक है। इसके बाद आवेदन बीएसएफ वाटर विंग एंड रिक्रूटमेंट पर क्लिक करें और इसके बाद आवेदन अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें और जिसका डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद आवेदन पत्र की पूछी गई सभी जानकारी सहित भरें और अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर दस्तावेज अपलोड करें और अब आवेदन की कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क भुगतान करें और अब आप आवेदन पत्र प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे अप्लाई ऑनलाइन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में और अधिक जान सकते हैं, ठीक है। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, ठीक है। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएँ, ठीक। धन्यवाद।